हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएस इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। और ये हमारी दूसरी वीडियो होगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के स्विम्बल का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में आज हम रजिस्ट्रेंस, सभी रजिस्ट्रेंस के ऊपर बात करेंगे कि कितने प्रकार की रजिस्ट्रेंस होती हैं, क्या होते हैं स्विम्बल वगैरह वगैरह सब। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह तो हमारी आम रेजिस्टेंस है, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। यह हमारा आम रेजिस्टेंस है जिसका उपयोग हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका स्विम्बल वगैरह ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। मैं इसमें आपको पांच रेजिस्टेंस बताऊंगा जो आगे इस तरह। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा यही कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है। यह रेजिस्टेंस एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू हम वही ओम्स में मापते हैं, ओम्स में मापते हैं। तो उससे पहले इसकी वैल्यू किस तरह मापी जाती है ये देख लेते हैं। इसमें आप ये कुछ लाइनें देख रहे होंगे, तो इसमें ये आपकी चार लाइनें होती हैं। तो चार लाइनें हैं इस समय, तो और भी छः लाइनों पांच लाइनों तक होता है। तो इसमें तो अभी चार लाइनें हैं, इन पे बात कर लेते हैं। तो पहली लाइन तो हमारा एक ये नंबर होता है, दूसरा भी हमारा नंबर होता है, जो तीसरा आप देख रहे हैं कलर या बैंड, यह हमारा मल्टीप्लायर है। इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर मीन्स यह है, यदि हम दो नंबर हैं 1 और 2 और आगे हमारा कोई भी रेड है, येलो है, ब्लू है, जो भी उसका नंबर है उससे हम उसकी गुणा कर देते हैं। तो इस तरह है, इसकी वैल्यू इस तरह मापते हैं। और हमारा चौथा बैंड जो है वह हमारा टॉलरेंस है। टॉलरेंस में सिल्वर का मतलब होता है 10% प्लस माइनस, और गोल्ड का मतलब होता है 5% प्लस माइनस। यह प्लस माइनस क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस मीन इनके वैल्यू में 5% का इजाफा भी हो सकता है, 5% की गिरावट भी हो सकती है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, वह डिपेंड करता है कि बैंड का कलर कौन सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। NTC एक वेरिएबल रेजिस्टर समझ लीजिए। इसका रेजिस्टर जो है वह कम ज़्यादा टेम्परेचर के आधार पर होता है। तो टेम्परेचर के आधार पर किस तरह होता है चलिए देखते हैं। जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि यदि ये ज़्यादा हीट होएगा तो हमारी सप्लाई रुक जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कंपोनेंट है। इसका स्विम्बल आप देख सकते हैं कि स्विम्बल किस तरह है। इसमें एक स्विम्बल में एक खासियत आपको याद रखनी पड़ेगी इसका स्विम्बल में, जो आप देख सकते हैं कि ये -T है। -T आपको याद रखना पड़ेगा कि ये NTC का चिन्ह है। और आगे मैं बता देता हूँ कि -T आपको क्यों याद रखना पड़ेगा, कारण क्या है। तो चलिए -T को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये NTC है एक, मैंने जो फोटो आपको दिखा रहा हूँ। अब हम -T पर बात करते हैं कि -T क्या है। आप देख सकते हैं ये +T हो गया, कैसे, क्योंकि ये PTC का चिन्ह है। समझ गए होंगे आप कि NTC और PTC में क्या है, यानी कि वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, ये PTC है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का उल्टा है, NTC का उल्टा है PTC। इसमें यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो ये हमारा PTC है, ये भी बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये प्रीसेट। प्रीसेट तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि प्रीसेट का उपयोग क्या है, कैसे है। तो प्रीसेट एक हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। इसका जो वेरिएबल रजिस्टर जो कम ज़्यादा होता है वो हमें हाथ से करना पड़ता है, देख सकते हैं ये प्रीसेट है। और ऊपर हमारा वॉल्यूम या पोर्ट देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको स्विम्बल भी दिखाया कि स्विम्बल किस तरह है। इसका स्विम्बल देख सकते हैं आप, ये ऐसे स्विम्बल है। एक रेजिस्टेंस बना के हमने एरो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ कर लगा दिया। नोब है ये जो एरो है, ये नोब है जो हम जिससे हम हमारा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं, तो ये नोब है। तो इस तरह इसका हमारा प्रीसेट का स्विम्बल है, और यही हमारा वॉल का स्विम्बल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा VDR, वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस।
वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है? यह हमारी ज़्यादातर सप्लाईयों में लगा रहता है, कोई भी 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट कोई सी भी सप्लाई हो इसमें लगा रहता है। यह वोल्टेज बढ़ने घटने पर अपने आप ही रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, अपने आप ही मेंटेन कर लेता है रेजिस्टेंस को। इसका उपयोग यह है, ये देख सकते हैं, इसका नाम से ही आप जान सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिपेंडेबल रेजिस्टेंस है ये, और इसका सिंबल आप देख सकते हैं कि यह रहा इसका सिंबल। तो ये सिंबल है इसका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिंबल जो हमारा एलडीआर का सिंबल है। तो एलडीआर के सिंबल में आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। तो एलडीआर के सिंबल में देख सकते हैं, एलडीआर के सिंबल हमारा एलईडी की तरह है। एलईडी के सिंबल में हम रोशनी लेते थे, इसमें रोशनी हम देते हैं इसको, समझे आप कि रोशनी देते कैसे। मतलब यदि आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने एलईडी का सिंबल दिखाया था। उसमें आपने देखा होगा कि एलईडी के सिंबल में जो दो एरो थे वो ऊपर की तरफ थे, यानी कि उससे हमें कुछ मिल रहा था। लेकिन एलडीआर में ऐसा नहीं है, एलडीआर में इसका उल्टा है, इसमें हमें रोशनी देनी है जिससे ये एक्टिव हो जाता है, जिससे ये वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो इसमें हम रोशनी जैसे डालेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। और इसका उपयोग ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट में किया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सिंबल आप देख सकते हैं कि किस तरह है इसका सिंबल। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। और हाँ, आज हमारा 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।